हेलो स्प्रिंग, तो आज हम करेंगे ऑफबो नियम पर आधारित प्रश्न। ऑफबो का प्रिंसिपल क्या बोलता है, कैसे इस नियम को फॉलो करना है। तो ऑफबो नियम के अनुसार यह नियम कहता है निर्माण होना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक के अंदर एंट्री करता है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस ऑर्बिटल यानी कक्षक की एनर्जी कम है। तो ऑफबो नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ प्रवेश करेगा जहाँ पर एनर्जी यानी वहाँ जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कक्षकों की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर भरा जाता है। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक 1s कक्षक है और 2s कक्षक है। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन प्लस एल नियम का उपयोग करना है। एन प्लस एल के नियम के अनुसार जैसे यहाँ पे एन क्या होगा 1 और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ पर एल की वैल्यू होगी 0 और यहाँ पे एल की वैल्यू होगी 0। तो अगर इसे हम दोनों अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा टोटल एन प्लस एल इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एन प्लस एल इज इक्वल टू 2। मतलब 2s की एनर्जी यानी ऊर्जा ज्यादा है। क्या है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक 1s कक्षक है और एक 2s कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s कक्षक के पास जाएगा, उसके बाद 2s कक्षक में जाएगा। तो यही यह नियम कहता है। तो आइए इस पर एक आधारित प्रश्न करेंगे। उस प्रश्न को करने से पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर यह एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है, 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, इसी तरह यह क्रम बढ़ता चला जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, ऑफबो नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए। तो देखिए ऑफबो के नियम ने क्या बोला था कि अगर आपके पास 1s कक्षक है और 2s कक्षक है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किसकी ऊर्जा कम है। तो n प्लस एल हमें एनर्जी के बारे में बताएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू यानी उपकोष यहाँ पर 0 है, यहाँ भी यह 0 है। अगर n प्लस एल की बात करें तो यह 1 होगा, n प्लस एल के लिए इसका मान 2 होगा, मतलब 2s की एनर्जी ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 1s में। तो हम यह किस आधार पर कह सकते हैं, हम n प्लस एल के न्यूनतम वैल्यू के आधार पर यह क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो n प्लस एल का मान न्यूनतम हो तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। थैंक यू सो मच।